और अब खबर आ रही है जंतर मंतर से। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आठवां दिन है आज। पहलवानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का पहलवानों ने आरोप लगाया है और ऐसे में लगातार आठ दिनों से जंतर मंतर पर पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। बृजभूषण सिंह को संत समाज का वहीं समर्थन मिल रहा है। संत समाज ने कहा है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ ये एक षड्यंत्र है। संत समाज ने बृजभूषण सिंह के समर्थन में धरने की चेतावनी दी है। तो एक तरफ रेसलर्स हैं जो बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं, उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण सिंह के समर्थन में अब संत समाज उतरा है। संत समाज ने कहा है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ ये षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। संत समाज ने बृजभूषण सिंह के समर्थन में धरने की चेतावनी दी है। ये बड़ी खबर आ रही है। लगातार पहलवानों के धरने से जुड़ी हुई हर दिन नई नई खबरें इससे जुड़कर आ रही हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल ने वहां पर पहुंचकर पहलवानों का समर्थन किया, तमाम तरह की खाप पंचायतों ने समर्थन दिया। वहीं दूसरी तरफ अब बृजभूषण सिंह के समर्थन में संत समाज सामने आया है। संत समाज ने साफ किया है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ ये षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है और इसे लेकर संत समाज भी धरने की बात कह रहा है। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, लगातार ये जो रार बृजभूषण सिंह और पहलवानों के बीच है ये बढ़ती जा रही है और इसमें हर दिन नए नए लोग अपना अपना समर्थन अलग अलग पक्षों को दे रहे हैं। अब संत समाज ने किस तरीके की आवाज उठाई है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पूरा मामला अब सियासी हो गया है, क्योंकि अभी तक तमाम राजनीतिक दलों के नेता ही जो है जंतर मंतर पर जाकर अपना समर्थन दे रहे थे, लेकिन अब इस पूरे मामले में संत समाज आ गया है। क्योंकि कल बृजभूषण शरण सिंह जब अपने उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद जब पहुंचे, जहां पर उनका घर है, तो घर जब पहुंचे तो वहां पे तमाम संत समाज के लोग पहुंचे और उन्होंने उनसे संपर्क किया और उनको समर्थन दिया। और उसके बाद संत समाज के जो संत का जो स्टेटमेंट आया, तो उसमें उन लोगों ने कहा कि यह एक षड्यंत्र है और अगर जंतर मंतर पर बैठने से ही सबको न्याय मिलता है तो हम लोग भी जो है जंतर मंतर पर जाकर के धरना देंगे बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जंतर मंतर पे रेसलर धरना दे रहे हैं उनका आज आठवां दिन है और अभी भी उन धरने पे बैठे हैं और पूरे मामले में FIR दर्ज होने के बाद जो उनकी मांग थी कि इस मामले में पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद जांच कमेटी गठित होने के बाद और उनको सुरक्षा की मांग थी, सुरक्षा भी दिल्ली पुलिस की तरफ से दे दी गई है, उस सारे मामलों के सारे डिमांड पूरा होने के बाद अभी भी उनका धरना जारी है और लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कीजिए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कीजिए, उनके बेटा दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कीजिए और भी कांग्रेस पार्टी के विपक्षी दलों के नेता जिस तरह से वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, खुद प्रियंका गांधी भी कल सुबह पहुंची थी, लगातार जिस तरह से समर्थन मिल रहा है विपक्षी दलों का, तो यह पूरा मामला अब सियासी हो गया है और इसमें अब संत समाज आ गया है। तो देखना है कि संत समाज कितना बृजभूषण सिंह को समर्थन देता है, क्योंकि संत समाज के लोगों का कहना है कि एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत जो है फंसाया जा रहा है, तो ऐसे में हम लोग इनको इनके समर्थन में जंतर मंतर पे भी हम लोग भी जरूरत पड़ेगी तो धरना देंगे। तो अब जी अलग 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 वर्गों द्वारा अब एक तरफ रेसलर्स का समर्थन हो रहा है, तमाम तरह के नेता इन रेसलर्स का समर्थन की बात कह चुके हैं जो विपक्ष के हैं, वहीं दूसरी तरफ संत समाज ने बृजभूषण सिंह का समर्थन किया है। राजीव, लेकिन अभी फिलहाल ये मामला किस तरीके का मोड़ पकड़ चुका है? अब चूंकि FIR भी दर्ज हो चुकी है, रेसलर्स को सुरक्षा भी दे दी गई है, और अब क्या चाह रहे हैं रेसलर्स? देखिए, रेसलर का सीधे तौर पर अब ये मांग है कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, उनको जेल में डाला जाए, क्योंकि वो बाहर रहेंगे तो जांच को प्रभावित करेंगे और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए। तो इस तरह की दो तीन बड़ी मांगे हैं जिससे लगातार कहा जा सकता है कि इस पर अभी कोई स्टेटमेंट खेल मंत्री का भी नहीं आया है। अनुराग ठाकुर का, अनुराग ठाकुर ने भी पूरे मामले में एक कमेटी गठित की थी जिसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है और एक रिपोर्ट तैयार कर ली है, ली गई है, जिसको रिसर्च करेंगे उनको सार्वजनिक करना चाहिए कि क्या रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के लगातार अभी मांग जारी है और बृजभूषण सिंह का भी यही स्टेटमेंट आया है कि कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है मैं उसका स्वागत करता हूँ और अगर मेरे खिलाफ जांच होती है तो मैं पूरी तरह से सहयोग करूंगा, लेकिन जिस तरह से जो रेसलर जो बैठे हैं जो आरोप लगा रहे हैं तो लगातार उनकी मांगे बदलती जा रही हैं, तो ऐसे में लगातार उनका डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि उनका आरोप मेरे ऊपर क्या है।
फिलहाल जो चरित्र के ऊपर जो सवाल खड़ा हुआ है या उन दोषण का जो आरोप लगाया है वो निराधार है, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना मैं इस तरह के चीजों में मैं रहता हूँ। तो उन्होंने अपने बचाव में तो तमाम तरह की बातें की हैं, लेकिन रेस्टर अभी भी अपनी मांगों को लेकर के 8वें धरने पर बैठे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अभी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी 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 राजीव, अपनी बात पूरी करिए, किस तरीके की महत्वपूर्ण बात की बात आप बात कर रहे थे। चलिए राजीव से हम आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर अब संत समाज ने भरोसा व्यक्त किया है। संत समाज ने कहा है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ ये एक षड्यंत्र है। संत समाज ने बृजभूषण सिंह के समर्थन में धरने की चेतावनी दी है।